सो हाई एवरी वन दिस इज सौरव ठाकुर एंड टुडे वी विल टाक अबाउट फ्रेडरिक नीचे दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म राइट सो फ्रेडरिक नीचे कम्स अंडर क्रिटिसज्मल्सो सो आई वॉज थिंकिंग टू कवर हिम इन क्रिटिज्म बट हेयर ही इज इम्पॉर्टेंट इन एग्जिस्टेंशियलिज्मेट्स वाई आई एम कवरिंग दिस राइटर इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म आज हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे आई विल टेल यू हिज वर्क्स हिज कंसेप्ट एंड मेजर टर्म्स Everything right in detail. So he was born in Prussia. He was a German philosopher, critic, poet, composer, and so on. And he was born in 1844 and died in 1900. Right. Okay. So, first of all, uh, we will talk about his works major works. So, first work is The Birth of Tragedy. The Birth of Tragedy. Right so the birth of tragedy is the first work by him and he dedicated this work to a person the name of the person was richard wagner richard wagner was also a german composer and he was very much influenced by richard wagner so that's why he dedicated his first work the birth of tragedy 1872 1871 to this guy richard wagner and he was also influenced by schopenhauer फिलोसफर आई विल किसमेनोर टॉक्स अबाउट अभी आगे पता लगेगा कि यह कैसे कनेक्टेड है ठीक है विल टू लिव इससे आपको वर्क बताता हूं द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एटीन सेवन सेवनटी वन एंड नेक्स्ट इज दर्क है इसका दस पोक जरा टूस्तरा 1883 टू 1892 राइट नेक्स्ट वर्क हमारा है एके होमो एके होमो ये बाइबल से ली गई है ये टर्म है ना एके होमो ये आया है आपका 1888 ठीक है नेक्स्ट वर्क है आपका दी एंटी क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट दी एंटी क्राइस्ट 1895 एंड सम नोटबुक्स वर पब्लिश्ड पोस्टूमसली उसका नाम क्या रखा द विल टू पावर तमराज पावर अंधेरा कायम रहे द विल टू पावर 1901 बिकॉज ही डाइड इन 1900 ठीक है जी तो अब आप देख रहे हो ये विल टू पावर विल टू लिव से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच हो रहा है ठीक है तो अभी मैंने बताया दैट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शॉप तो से इन्फ्लुएंस हुआ है तो ही टॉक्स अबाउट विल विल टू टू लिव लिव का मतलब है कि हम जो कुछ भी हमारी एक लाइफ की जो भी हमारी इंस्पिरेशन होती है दैट इज विल टू लिव कि हम जिंदा रहना चाहते हैं हम जिंदा रहने के लिए हम सब कुछ करते हैं ठीक है तो वही एक वजह होती है हम जो कुछ भी करते हैं हमारे अंदर जो भी एनर्जी आती है जो भी पावर्स आती है जो भी हमारी इंस्पिरेशन मोटिवेशन होती है वो विल टू लिव होती है बट दिस पर्सन टॉक्स अबाउट विल टू पावर विल टू पावर क्या चीज है ये आपने याद रख लेना विल टू पावर सबसे पहले फ्रेडरिक नीचे ने ये बात की विल टू पावर की और बाद में मिशेल फूको भी इसकी बात करेगा ठीक है तो विल टू पावर का क्या है कि सिंपल सी बात है एवरीबडी वांट्स wants... पावर एवरीबडी एवरीबडी वांट्स टू बी पावरफुल एवरीबडी वांट्स टू सब्जुगेट अदर ठीक है कई लोग शांत दिल के भी होते नहीं करना चाहते लेकिन सभी चाहते हैं कि हमें हम, हमें कुछ पावर्स हो ठीक है हमारी लोग सुने अगर एक टीचर है वो भी चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी इज्जत करें उसकी क्लास में सुने ठीक है तो वो सारी चीजें हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं पावर के लिए करते हैं जो भी हमारा जीने के लिए हमारे जो इंस्पिरेशन आ रही है वो पावर से आ रही है अब इसी बात की अगर हम बात करें तो विल टू प्लेजर कि कौन बात करता है विल टू प्लेजर की बात करता है सिगमंड फ्रॉड हमारा साइको एनोलिटिक थियरी वाला बंदा जो कि सेक्सुअल डिजायर्स की बात करता है प्लेजर की बात करता है कि हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वही एक वजह है हमारी जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी आ रही है जो हमारी मोटिवेशन है वो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स है ठीक है तो विल टू प्लेजर की बात सिगमंड फ्रॉयड कर रहा है विल टू लिव की शॉपिन और कर रहा है विल टू पावर की फ्रेडिक निश्चय कर रहा है और बाद में मिशेल फूको भी इसकी बात करेगा ठीक है तो ये मैंने आपको इसके मेजर वर्क्स बता दिए ठीक है इनको याद कर लेना आपने जरूर याद कर लेना बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में क्या है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ये दो तीन चीजों की बात करता है ना बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ये कहता है है कि जो पहले इसमें दो चीजों की बात करता है. एक तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एक डेथ ऑफ ट्रेजेडी ठीक है तो वो बोलता है कि ये किसने की ये सोक्रेटिज की ठीक है सोक्रेटिज्म भी सोक्रेटिज्मे कहता है ठीक है सोक्रेट जो था तो सोक्रेटिज्म इसके हाथों ये सारा काम हुआ है क्यों हुआ है क्योंकि इसने एक साइंटिफिक आउटलुक दिया ट्रेजेडी को ठीक है साइंटिफिक तरीके से रैशनल तरीके से उसने ट्रेजेडी को देखा तो इतना सा आप याद रख लो बस ठीक है तो अब हम ट्रेजेडी की थोड़ी सी और बात कर लेते तो इसने क्या कहा कि ट्रेजेडी डायड विद सुइसाइड इन दी हैंड्स ऑफ यूरिपिटीज यूरोपीडीज की शायद यही स्पेलिंग होगी है ना थोड़ा सा आपने क्रॉस चेक कर लेना एंड सोफोकलस ये तीन लोग थे जो कि ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत जिनका बहुत बड़ा नाम है तो यूरोपीडिस को भी इसने यही कहा कि इसने जो है बहुत ही रैशनल तरीके से देखा ट्रेजेडी को ठीक है बहुत ही फैक्चुअल तरीके से अब वो दो चीजों की ये बात करता है डुअलिटी ये बोलता है कि जो आर्ट का जन्म हुआ है द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन अ डुअलिटी अब वो डुअलिटी क्या है ना? उस डुअलिटी की हम बात करते हैं सबसे पहला है अपोलो एक है हमारा डायोनीसियस ठीक है जी ये दो गॉड्स थे ग्रीक में अपोलो तो था मतलब कि सेल्फ नॉलेज सेल्फ नॉलेज हो गया रेशनेलिटी हो गया मोरालिटी हो गया मतलब कि अच्छा गॉड था ये, ठीक है मतलब कि अच्छा वाला अब ये था, गॉड ऑफ वाइन भी इसे कहते हैं ठीक है वाइन

वो कहां से आई है वो इन दो चीजों से आई है जो लोगों ने इन दोनों के बारे में लिखा तो अब ये जो बात कर रहा है यूरिपीडिस की तो ये कह रहा है कि जो यूरिपीडिस था उसने ये अपोलो को अपोलो पे ज्यादा फोकस किया और जो डायोनीसिस ट्रेन था उसको खत्म कर दिया मतलब ही किल्ड म्यूजिक एंड मिथ ये बोलता है कि ही इग्नोर डायोनेसिस सो दैट्स वाई ही किल्ड म्यूजिक म्यूजिक एंड मिथ इन दी ट्रेजेडी तो ये बात करता है तो ये जो दो चीजें थी इन चीजों के बारे में फ्रेडरिक निश्चित बात कर रहा है अपोलोनियन एंड डायोनिसिस ठीक है डायनिशि अपोलोनियन इन दो चीजों की बात करता है ये आपने याद रखना है और ये दो चीजें क्या है अपोलो बहुत अच्छी चीज थी अपोलो जो था अच्छा गॉड था रैशनल मोरालिटी ठीक है और साइंटिफिक चीजें और इसमें आपके ज्यादा इमोशंस प्लेजर इमोरलिटी इन चीजें आ जाएगी और जैसे कि हमारे पोएट्स होते हैं ठीक है तो पोएट्स इसमें आएंगे लिरिक पोएट्स जो है वो इसमें आएंगे ठीक है और जो एपिक पोएट्री है वो इसमें आएगी एपिक पोएट्री इसमें आएगी और लिरिक आपका डेनिस में आएगा ठीक है और ये ये भी कहता है साथ में फ्रेडरिक निशे एक बात और कहता है कि जो ये सब्जेक्टिव होता है आर्टिस्ट सब्जेक्टिव आर्टिस्ट इज अ बैड आर्टिस्ट ठीक है जी सब्जेक्टिव आर्टिस्ट क्यों बैड है सब्जेक्टिव आर्टिस्ट ठीक है 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 जी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या चीज होती subjective होता है जिसमें आप बिल्कुल घुस जाते हो उस चीज में बिल्कुल पर्सनल हो जाते हो जैसे कि से होते थे. नहीं डाल रहे हो थोड़ा एबसेंट हो आप दूर से बात कर रहे हो ऑब्जेक्टिव को भी एक टर्म है उसकी पी एस एल की ठीक है और ये, ये सारी चीजें मतलब फिलहाल अभी आप ये याद रख लो कि जो सब्जेक्टिव आर्टिस्ट है उसको ये निंदा करता है बोलता है कि वो आई आई बड़ा यूज करते मैं 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 है ना तो ये कहता है कि इतना कौन ध्यान देता है इतना कौन इमेजिन करेगा कि उनकी दुनिया में चले जाए हम उनके साथ ठीक है चलो जी तो इतना हो गया आपका ट्रेजडी वगैरह के बारे में हमने बात कर ली अब एक दो कंसेप्ट जो है उसके और बात कर लेते हैं ना दस जरा ठोस इस, वर, इस वर्क को याद रखना इससे अभी टर्म आने वाली है विल टू पावर हो गया अपोलोनिन ये हो गया अब इसने एक बहुत ही जो फेमस इसकी बहुत फेमस कोटेड लाइन है फ्रेडरिक नीचे की वो है गॉड इज डेड अब गॉड इज डेड क्यों बोल रहा है क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म का बंदा है एग्जिस्टेंशलिज्म में अच्छे से समझा चुका हूं पुरानी वीडियो में ठीक है अब एक चीज की और बात करते हैं नाइलिज्म एन आई एच आई एल आई एस एम नाइलिज्म अबे नाइलिज्म क्या है नाइलिज्म से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ये फ्रेडरिक नीचे नाइलिज्म इज नेगेशन ऑफ एवरीथिंग मतलब कि कुछ भी नहीं है देर इज नो नॉलेज देर इज नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस देर आर नो वैल्यूज इन आर लाइफ मतलब कि देर इज नथिंग नथिंगनेस मीनिंगलेसनेस ठीक है तो ये जो है एब्सर्ड भी कह सकते हैं आप इसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं आप एक्जिस्टेंशियल एंगस्ट भी कह सकते हैं आप जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ठीक है तो नाइलिज्म जो था ये एक ऐसी फिलोसफी है एक ऐसी सोच है एक ऐसा नोशन है ऐसी डिस्पोजिशन है जिसमें आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है ऐसा दुनिया में रखा क्या है जब हमें मरना ही है एक दिन तो क्यों काम करना क्यों हर रोज एक दूसरे से हमें बात करनी क्यों अच्छे काम करने क्यों इतनी मेहनत करनी क्यों सुबह जागना क्यों पढ़ना है क्यों नेट निकालना है क्यों पीएचडी करनी है क्यों जॉब करनी है जब एक दिन मरना है कुछ नहीं है दुनिया में रखा तो वो जो चीज है वो नाइलिज्म में आती है तो फ्रेडरिक निश्चय ठीक है ये आपने याद रखनी है। और नाइलिज्म की भी ये काफी बात करता है तो गॉड इज डेड भी इसने तभी कहा था कि गॉड इज डेड क्योंकि जो एनलाइटनमेंट एज थी उसमें बहुत इंटेलेक्चुअल चीजें थी साइंटिफिक चीजें आ गई थी इंटेलेक्चुअलिज्म था तो उसने तब ये कहा था कि गॉड इज डेड क्योंकि जो बंदा किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रख रहा है नाइलिस्ट है एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस उसे हो रहा है तो वही ऐसी बात कर सकता है गॉड इज डेड तो गॉड इज डेड जो है यह सबसे पहले द गे साइंस 1882 में यह आई थी कलेक्शन ठीक है सबसे पहले गे साइंस में आया था गॉड इज डेड उसके बाद वो जो वर्क था दस स्पोक उसमें ये फेमस हुआ ठीक है गे साइंस में सबसे पहले आया उसके बाद इसमें ये फेमस हुआ ठीक है इतना सा आपने याद रखना है अब हमारा आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो इसका कंसेप्ट है वो है उबर मंच वो गाड़ी वाला मैन मैं, मैं मर्द लोग और एस सी एच बस उबरमैन तो ये जर्मन टर्म है जिसे कि ट्रांसलेट किया है सुपर ह्यूमन बियॉन्ड मैन बियॉन्ड मैन सुपरमैन हाइपर हाइपर ह्यूमन भी आप कह सकते हो ठीक है तो अब ये उबरमैन सुपरमैन का क्या कंसेप्ट है ये जीबी शॉ भी इसकी बात करता है ठीक है तो ज... जीबी और लाइफ फोर्स की भी बात करता है वो आप उससे विल टू लिव विल टू पावर से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं और वो मैन एंड सुपरमैन उसकी एक कलेक्शन है आपने अगर पढ़ा होगा तो उसकी ड्रामा की कलेक्शन है मैन एंड सुपरमैन तो उस भी में भी वो सुपरमैन की बात करता है अब ये सुपरमैन क्या चीज है ऊबरमेंश जिसे ये फ्रेडरिक नीचे बात करता है दस स्पोकोस्तरा में ये आया था आपने याद रखना है देखो ऊबरमेंश एक ऐसी चीज है एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपनी ही वैल्यू सेट कर रखी है लाइफ में अपने ही तौर तरीके सेट कर रखे उसको पता है कि दैट आई कैन हर्ट पीपल बाय दीज वैल्यूज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माय लाइफ माय सेल्फ ठीक है बट स्टिल ही स्ट्रॉग इनफ एंड दैट पर्सन इज फ्री ठीक है मैंने पहले भी बात की थी एक्सटेंशियलिज्म में कि एक इंडिविजुअल जो हम अपनी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं ठीक है उसी तरह से ये एक सुपर ह्यूमन भी होता है जो बहुत एक दूसरी दुनिया का सोचेगा जिसकी सोच बहुत बड़ी होगी और बहुत अलग होगा दुनिया से मतलब उस, उसने कॉन्कर कर लिया हर एक छोटे छोटे छोटी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उसको उसने कॉन्कर कर लिया एक वे ऑफ लाइफ है सुपर ह्यूमन ठीक है मतलब ऐसी कोई शक्तियां नहीं होगी उसमें इंसान मेरी और आपकी तरह ही होगा लेकिन स्ट्रांग होगा विल में स्ट्रांग होगा स्ट्रांग इन विल एंड पावर ठीक है तो वो मेंटली काफी स्ट्रांग बंदा होगा उसने अपनी वैल्यू सेट कर रखी होगी तो उसे हम उबरवेंस कहेंगे सुपर ह्यूमन कहेंगे ठीक है तो आपने याद रखना है कि, का है और है, थोड़ा समझ कि आप इंटरनेट पर स्टडी कर सकते हो मैं भी वहीं से पढ़ के मैं भी रिसर्च करके कर, कर, कहा, कहा से पढ़ पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सब कुछ कवर करें ठीक है चलो तो ये तो हमारे हो गए लगभग सारे कंसेप्ट हो गए नाइलिज्म हो गया विल टू पावर हो गया उबर मंच हो गया अपोलोनियन और वो डायनेशियन जो कुछ भी था वो हो गया शोपिनोर से ये इन्फ्लुएंस हुआ था और और तो मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया मैं देख लेता हूं, कुछ रहना गया हो मैंने वर्क्स भी बता दिए टर्म्स भी बता दिए अच्छे से ठीक है सब्जेक्टिव आर्टिस्ट भी बता दिया बर्थ ऑफ ट्रेजेडी भी बता दिया सब कुछ बता दिया ठीक है तो फ्रेडरिक निश्चय का मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया जितने भी कंसेप्ट से ये बंदा रिलेटेड है ठीक है इस चीज़ को याद कर लेना इसके वर्क्स इसके कंसेप्ट इन सारी चीज़ों को देख लेना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये बंदा है ठीक है और भी कई चीज़ों को इसने इन्फ्लुएंस किया है ज़रूरी नहीं होता है कि एक इंसान एक ही फिलोसफी में रहे एग्जिस्टेंशियलिज्म का है तो किसी और का नहीं हो सकता कोई पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है तो कोई स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं हो सकता सबके अलग अलग जो आइडियाज होते हैं अलग टाइम पे अलग आइडियाज होते हैं उस हिसाब से उनको एसोसिएट किया जाता है क्रिटिक्स के द्वारा ठीक है तो इतना ही आज की वीडियो में यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको समझ आया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी हेल्प हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है है ना तो बाकी तब तक के लिए खुश रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो ये सुपर ह्यूमन की तरह बाय